इंग्लैंड के साथ खेले जाने वाली 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए मयंक अग्रवाल और केएल राहुल को टीम में शामिल कर लिया गया है। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको वीडियो में आगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। टीम इंडिया के टेस्ट ओपनर बल्लेबाज सुमन गिल चोट की वजह से कम 2 महीने के लिए दूर हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में वो इंग्लैंड के खिलाफ पहले 3 टेस्ट मैचों के लिए टीम इंडिया का हिस्सा नहीं होंगे। गिल के टीम में नहीं होने से भारत को झटका तो लगा है, लेकिन भारतीय टीम मैनेजमेंट के पास विकल्प की कोई भी कमी नहीं है। गिल के चोटिल होने के बाद टीम इंडिया अब अलग अलग तरीके से टेस्ट सीरीज में उतरने की प्लानिंग बना रही है। खबरों की माने तो गिल की जगह पर रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत मयंक अग्रवाल कर सकते हैं, तो वहीं हनुमा बिहारी को बैकअप ओपनर के तौर पर भी टीम में शामिल किया जा सकता है। अगर मयंक अग्रवाल का प्रदर्शन खराब रहता है तो रोहित के साथ पारी का आगाज हनुमा बिहारी भी कर सकते हैं। भारतीय टीम मैनेजमेंट से जुड़े एक करीबी सूत्र ने बताया है कि गिल के चोटिल होने के बाद टीम इंडिया का क्या प्लान है। एक अखबार से बात करते हुए सूत्र ने कहा है कि नई गेंद के खिलाफ केएल राहुल का प्रदर्शन ज्यादा अच्छा नहीं रहता है और केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में टीम के लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हनुमा बिहारी ने दिखाया है कि उनके पास नई गेंद से खेलने की पूरी क्षमता है। आपको बता दें कि केएल राहुल, मयंक अग्रवाल और हनुमा बिहारी को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलने का मौका नहीं मिला था। वहीं सुमन गिल के बाहर होने से राहुल और मयंक अग्रवाल के लिए रास्ता खुल गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी, जिसकी शुरुआत 4 अगस्त से होगी। इस वक्त टीम इंडिया के खिलाड़ियों को 20 दिनों का ब्रेक दिया गया है, जिससे कि वो टेस्ट सीरीज के लिए तरोताजा हो सके। तो दोस्तों, ये थी भारत और इंग्लैंड सीरीज से जुड़ी एक ब्रेकिंग अपडेट। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।